बिलाड़ा गांव में स्थित श्री आई माता मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में 550 साल पहले प्रज्वलित ज्योति आज तक अखंड रूप से जल रही है और इसके दर्शनों के लिए देश के कोने कोने से यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। अपनी जिंदगी में आपने बहुत से चमत्कार देखे होंगे मंदिरों पर, दरगाहों पर, लेकिन आज हम आपको जोधपुर के बिलाड़ गांव में श्री आई माता के मंदिर लिए चलते हैं, जहां 550 सालों से आज तक अखंड ज्योति जल रही है। श्री आई माता का मंदिर विश्व विख्यात तीर्थ धाम माना जाता है। मान्यता है कि माता के इस मंदिर में दीपक से काजल की जगह केसर निकलता है और दीपक से निकलने वाले इस केसर को भक्त अपनी आंखों में लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि ज्योत से टपकने वाली केसर लगाने से आंखों की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मान्यताओं के मुताबिक अखंड ज्योति के दर्शन से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह मंदिर साल में 2 बार नवरात्रों पर खुलता है। नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा रहता है। आईजी माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भादवा सुदी बीज और चैत्र पक्ष के बीच में आई माता जी का विशाल मेला भरा जाता है। मेले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु बिलाड़ा पहुंचकर आई माता जी के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी जो इस मंदिर के चमत्कार है वो मुझे ये देखने को मिलता है, यहाँ जो ज्योत जलती है उससे केसर निपजता है। मतलब कहीं पे भी घी का दीपक अखंड ज्योत हर मंदिर में होती है, पर वहाँ पे मंदिर से मतलब जैसे केसर निकलना, ये एक अपने आप में चमत्कार है माता का स्थान का। कई लोगों की यहाँ मुरादें, इच्छाएँ पूरी होती है, पूर्ण होती है, विश्वास है, आस्था है। मैं भी उसी आस्था के तहत हर साल कोशिश करता हूँ कि माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हूँ। आज भी उसी संदर्भ में जोधपुर से चला के मैं माता जी के दर्शन कर। मान्यता है कि मंदिर काफी प्राचीन है और यहाँ माता आई थी, इसीलिए इस मंदिर को आईजी माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का अवतार श्री आई माता गुजरात के अंबापुर में अवतरित हुई थी। अंबापुर में कई चमत्कारों के पश्चात श्री आई माता जी भ्रमण करते हुए बिलाड़ा आई थी। यहाँ पर उन्होंने भक्तों के 11 गुण और सदैव सन्मार्ग पर चलने के सदुपदेश दिए थे। करीब 1556 ईस्वी में बने इस मंदिर में एक गद्दी है जिसकी पूजा भक्त सदियों से करते चले आ रहे हैं। यहाँ माता की एकमात्र तस्वीर है जो गद्दी पर विराजित है। सबसे पहला इतिहास शुरू होता है पाली जिले के देसुरी के पास नारलई करके गांव आया हुआ है। वहाँ आए, वहाँ उन्होंने पोठिया बांधा, जिन परिवारों के घर पे पोठिया बांधा उनको चमत्कार बताया कि पहाड़ था वहाँ ज्योति जलाई और उसमें केसर पड़ना शुरू हुआ। पहाड़ को चटिया घुमाया और पहाड़ जो है वो अदर जैसा गुफा होता है वैसा हो गया, जहाँ आज आलीशान मंदिर, धर्मशाला वगैरह बन के तैयार हो गई। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर में पहुंचकर मन को शांति मिलती है। मंदिर साल में 2 बार नवरात्र के मौके पर ही खुलता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु बाहर से ही आई माता जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर।